जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एंड दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद जो है मैं अपडेट से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे बना पा रहा हूँ। सो यहाँ पे मेरा जो है थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा है, सो इसलिए आप थोड़ा ये वाला इग्नोर करना, लेकिन मैं यहाँ पे अपना 101% ट्राई करता हूँ कि मैं अपडेट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे इस वाला अपडेट में iOS 18 का जो है RC और स्टेबल वर्जन अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो फिर ये जो है उसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर iPhone 14, 14 प्लस 13 या फिर ये सारे डिवाइसेस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये जो है काफ़ी हद तक सिमिलर ही होंगे। यहाँ पे जो है रिव्यू और कैसा कुछ ये वाला अपडेट आपको फ़ोन में चल रहा है। सो फीचर्स रिलेटेड तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो चैनल में से चेकआउट कर सकते हो। एंड नए नए फीचर्स यहाँ पे क्या कुछ है वो सारे मैंसन है, यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो है मेरा यहाँ पे 3.48 GB के आसपास या फिर 3 और 4 GB के अंदर ही है यहाँ पे अपडेट। तो दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है मैंने अपडेट करके यहाँ पे जो है अपने फ़ोन को डाउनग्रेड कर दिया था, क्योंकि ये जो है इनिशियल अपडेट्स में एप्पल का थोड़ा बहुत बग होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ डिवाइस में, सो परफॉर्मेंस में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाला है। 17.7 अगर आप यूज़ करते थे iOS 17 का, सो उससे काफ़ी हद तक सिमिलर ही आपको देखने को मिल रहा है। एंड वाइज या फिर आपको हीटिंग ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलने का, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इसके साथ साथ मैं अपना बैटरी हेल्थ दिखा देता हूँ। कैपेसिटी जो है 96% है, जो कि ठीक ठाक कैपेसिटी है, बैटरी हेल्थ है। एंड मेरा मैंने यहाँ पे जो है फ़ोन को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है 11 घंटे तक, सो 11 घंटे के आसपास। सो बैटरी लाइफ दोस्तों ठीक ठाक नॉर्मल ही है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है। गुड बैटरी बैकअप आप मान के चल सकते हो एक इनिशियल अपडेट के लिए। जनरली जो है पहले अपडेट्स में जो है चाहे वो कोई भी कंपनी हो, बग्स तो होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये जो है स्टेबल एप्पल ट्राई किया स्टेबल अपडेट प्रोवाइड करने को और बैटरी लाइफ को मेंटेन करने का ट्राई किया है। अपडेट के बाद पहले भी 96% ही बैटरी हेल्थ था, एंड अपडेट के बाद भी अभी 96% ही बैटरी हेल्थ है। सो आपको यहाँ पे बैटरी में मुझे जो है ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू अपडेट एंड रीसेंट अपडेट में जितने दिक्कत आ रहे थे उतने, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, कंपनी डे टू डे में अपना कैमरा का क्वालिटी जो है डिग्रेड करती रहती है अपडेट देके, ये एक जो है दोस्तों सीक्रेट फैक्ट है, ठीक है। सो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा कुछ यहाँ पे नोटिस नहीं हो रहा है। मैं कैमरा ऐप को अच्छे से यूज़ करके आपको एक बार रिव्यू प्रोवाइड करूँगा किसी और दिन, ठीक है। एंड अभी के लिए जो है कैमरा ठीक ठाक ही है, पहले जैसा ही है ऑलमोस्ट। सो आपको यहाँ पे अभी के लिए जो है कैमरा में दिक्कत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप वीडियो रिकॉर्ड करो, फोटो क्लिक करो, पोर्ट्रेट मोड में, सिनेमैटिक मोड में या फिर नॉर्मल मोड में भी 4K 60 FPS तक काफ़ी अच्छा सा जो है आपका यहाँ पे बैटरी वगैरह स्मूथली रन करने लगेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, iOS 18 में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगा एक दिन। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो है कॉल अनाउंस हो जाएगा अगर आप कोई भी कॉल रिकॉर्ड करते हो, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन में काफ़ी जिसमें गूगल डाल ले